हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट पूर्ण में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास टेंथ का ये मैथ्स का पेपर है, मैथ्स स्टैंडर्ड का जो आपका हुआ था, मैथ स्टैंडर्ड का, और ये कोड हम सोल्व करने वाले हैं आज इस वीडियो में। अब ये जो वीडियो है किन किन के लिए हेल्पफुल है, जैसे कोड 3-1, ये जैसे 1 है ना, इसका 1 कोड, इसका 2 कोड, ठीक है, और ये 3 कोड है ही। इन तीनों कोडों के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, तो इसको अंत तक जरूर देखना, ठीक है। और इसी के साथ देखो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन जिन के पास जिनको इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को सोल्व करूं, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और आपको इसके अलावा कोई अदर कोड सोल्व कराना है तो हमें व्हाट्सअप लिंक कर दीजिए, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जाएगा आपको, ठीक है। अब हम इस कोड को सोल्व करने वाले हैं, मैथ स्टैंडर्ड, ठीक है, जो आपका पेपर आया था, ठीक है। अब सेक्शन ए में देखो, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एन क्यू कैन बी एक्सप्रेस इस तरह से और एंड इस तरह से, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स, ए और बी प्राइम नंबर्स हैं, और देन एलसीएम पी एन क्यू, एलसीएम बताना है। तो एलसीएम में देखो हाईएस्ट पावर रहती है, ए की पावर देखो यहाँ पर क्यूब है, तो ए की पावर तो कन्फर्म है 3 आएगी, और बी की पावर यहाँ पे कन्फर्म है, बी की पावर कितनी आएगी आपकी 4 आएगी, ये तो कन्फर्म है, यहाँ पे ए की पावर 3 आ जाएगी और यहाँ पे बी की पावर क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, ये तो कन्फर्म है। अब देखो यही देख लो बस, ए की पावर 3 और बी की पावर 4 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में, बस यही आंसर है, ठीक है। और आप देख सकते हो 18 और 20, अगर 18 और 20 के देखूँ मैं, इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 2 into 9, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 into 10, ठीक है, 2 2 तो इनमें कॉमन है, ठीक है, तो 2 तो रख लो, और 9 into 10 ये बचा 9 2 18, 18 2 10 180 आ रहा है ना, तो ये एलसीएम हो जाएगा, डी इसका करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, इसमें इन एन ए पी इफ द फर्स्ट टर्म दे रखा है आपको, देखो फर्स्ट टर्म दे रखा है इसमें -16, ओके, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है डी -2। अब आपको सम ऑफ फर्स्ट ऑफ टेन टर्म का सम निकालना है, तो ये क्या होता है 10/2, और यहाँ पे 2a -32 प्लस एन -1 यानी कि 9, और इंटू डी -2 है ना, देखो इधर देख लो एक बार, हाँ -2 है, तो ये -2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये 5 और अंदर क्या बचा -32, और 9 2 18 माइनस का 18, अभी कितना हुआ 5, और ये कितना हो जाएगा 30 और 10 40 40 50 -50, तो ये 250 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो, फिर थर्ड वाला देख सकते हो, ये वाला दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब आपको देखो एक चीज़ बता देता हूँ, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये क्या होता है एक्स बार, मीन के बराबर होता है मीडियन, ठीक है। अब देखो ये इस तरह से दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको अंदर इंटू कर लेते हैं, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अंदर इंटू कर लिया माइनस का, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई और ये एक्स बार, तो ये यहाँ आ जाएगा एक्स बार, ठीक है, ये एक्स बार, ठीक है, इस तरह से, और इक्वल्स टू पूछा है क्या है। अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना, अभी अभी मैंने ये करा है, ठीक है, इसमें मैं ये कर सकता हूँ ना, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू, ये इधर इंटू हो जाएगा एक्स बार और समेशन ऑफ एफ आई, तो ये वाली वैल्यू है ना इस वाली वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स बार और समेशन एफ आई, ये होता है ना, आपने देखा हो ये वाला फॉरवर्ड डायरेक्ट मीन में, ठीक है, और एफ आई और माइनस का ये भी यही है एक्स बार और समेशन ऑफ एफ आई, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा 0, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 0, यहाँ पे लिख लेना 0 0, इसका करेक्ट आंसर है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपके में वो देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द लॉन्गेस्ट राइट सर्कुलर कोन हैज़ कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। अब देखो 2 सेंटीमीटर इससे ले रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर ही इसकी क्या हो जाएगी डायामीटर 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ओके, कोन की कह रहा हूँ, कोन जो निकालेंगे इसमें, और हाइट कितनी है, हाइट तो 2 ही रहेगी, हाइट थोड़ी आधी होती है, हाइट तो वैसे ही रहेगी, क्यूब मतलब जिससे सारे साइड इक्वल रहते हैं, ठीक है, सारे साइड इक्वल रहती है, इसलिए 2 हो जाएगी, एच आर ही हो जाएगी। अब इसमें हम वो लगा देंगे क्यूब का फॉर्मूला, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें वैल्यू पुट कर दो 1/3
पाई के फॉर्म में निकालना आंसर, तो पाई की वैल्यू नहीं रखते, आर वन है तो वन का स्क्वायर वन, और एच रख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो टू पाई अपॉन थ्री आंसर है, अरे डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब लिख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास जो आया था वो देख लेते हैं। फिफ्थ, अ सॉलिड स्फीयर इज कट इन टू टू स्फीयर। देखो एक सॉलिड स्फीयर है, अब ये बताओ सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फोर बाय रुको सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को मैंने दो पार्ट में कट कर दिया, तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, तो इसका क्या होता है, थ्री पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, थ्री पाई आर स्क्वायर, यही होता है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, टोटल द रेशो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ टू हेमी स्फीयर्स, ठीक है, तो सरफेस एरिया टोटल ही लेंगे इसमें। ठीक है, जब दे ही नहीं रखा तो समझ गए ना, अ सॉलिड स्फीयर कट इंटू टू हेमी स्फीयर, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया बोलता तो ले लेते हैं, अब टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, रेशो ऑफ सरफेस एरियाज, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, फोर पाई स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में टोटल स्फीयर में से रेशियो ऑफ स्फीयर अपॉन टू हेमीस्फीयर का टुगेदर का, तो इन दोनों का टुगेदर करेंगे तो सिक्स पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर आई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, फोर अपॉन सिक्स मतलब टू टू जा टू थ्री जा टू रेशो थ्री, सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट, देखो ऐसा सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का जो ये मैं डायमीटर बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सेंटर दे रखा, सेंटर ऑफ सर्कल टू जीरो, टू कोमा जीरो है, ठीक है, अच्छा वन एंड ऑफ अ डायमीटर ये कितना है, सिक्स कोमा जीरो, ठीक है, एंड द अदर एंड इज एट, ये अदर एंड बताना है, इसको मान लेते हैं एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब देखो ये मिड पॉइंट होता है आपको पता है, तो सिक्स प्लस एक्स, मैं लिखूँगा सिक्स प्लस एक्स अपॉन टू इक्वल्स टू टू, ठीक है, ऐसे y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो, ऐसे लिखूंगा जीरो प्लस वाई अपॉन टू इक्वल्स जीरो, मिड पॉइंट थ्योरम से वो सॉरी मिड पॉइंट से सिक्स प्लस एक्स बराबर फोर आ जाएगा, यहाँ से टू टू जो फोर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सिक्स को मान ले जाएंगे, माइनस का सिर्फ फोर में से माइनस सिक्स गए तो माइनस का टू, ये तो माइनस टू आ गया, y की वैल्यू निकाल लेते हैं जीरो इंटू जीरो मतलब y की वैल्यू जीरो आएगी, तो माइनस टू कोमा जीरो, देखो माइनस टू कोमा जीरो सी आ रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, माइनस टू कोमा जीरो ये अदर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, देखो ये वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल डेक 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड एस कार्ड, देखो रेड एस कार्ड, देखो रेड के कार्ड कितने होते हैं टोटल, या दो कार्ड होते हैं रेड के और दो ब्लैक के होते हैं, ठीक है, तेरह तेरह, ठीक है, इसमें से दो एस के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ 52 तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी पूछा है रेड एस कार्ड के, तो टू ही होते हैं रेड कलर में, तो एक इसका होता है एक इसका होता है, ठीक है, तो रेड एस कार्ड टू होंगे, अब टू से सिंप्लीफाई कर लो, वन अपॉन 26 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, टू टू जो फोर टू सिक्स जो ट्वेल्व, वन अपॉन 26 इसका आंसर हो जाएगा। एस पूछा है, एस एक एक होता है चारों में, तेरह तेरह सेट में, ठीक है, तो इस रेड पूछा है तो दो होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा, देखो मिडिल मोस्ट का है तो वो तो मीडियन ही होता है डेटा, ठीक है, मीडियन आ जाएगा इसको, तो डेफिनेशन से बाय डेफिनेशन थीटा बराबर 30 है, वैल्यू ऑफ टू साइन थीटा कोस थीटा रख लेते हैं, टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, अब 2 से 2 गया तो आंसर क्या गया रूट 3 अपॉन 2, ये आंसर है, ये तो सस्ता सा क्वेश्चन था, ठीक है, तो बी आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 30 की 1 अपॉन 2, कोस 30 की वैल्यू लग नहीं रहे स्टैंडर्ड का पेपर है ये, ठीक है, कोस 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये रूट 3 अपॉन 2 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, रूट 3 अपॉन 2 इससे तो थोड़ा सा सही वो उसका ही आ गया था बेसिक का स्टैंडर्ड का, ठीक है, मतलब आप कर क्या कर सकते हैं। टेंथ वाला देखो, इफ द रूट्स इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर इज रियल एंड इक्वल, अच्छा देन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, देखो भाई आपको रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती है, डी बराबर जीरो, डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर, मैंने फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो, तो बी स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ मैं फोर ए सी, अब यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, ये बैठ रहा है, देखो यहाँ से देख रहा है ना बी स्क्वायर बराबर फोर ए सी आ रहा है, यही यहाँ से लिख सकता हूँ ना मैं स्क्वायर से बी स्क्वायर, ये फोर को नीचे ले जाओ इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला,
देखो यहाँ पे देखो, फ्रॉम द डेटा इस तरह से दे रखा है, इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, ऑल द इवन नंबर मतलब ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, इवन नंबर है ना, हटा दिए, ठीक है। ऑल द इवन नंबर्स रिमूव्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर, देखो रैंडम कोई सा भी उठा सकते हैं, प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग, पहली बात टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके कितने बचे जब इनको रिमूव करा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो नीचे आ जाएगा। अब इसमें से भी पूछ रहा है रैंडम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सा है इनमें से, 1 तो नहीं होगा, 7 हो जाएगा, और कोई सा नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है सारे, 9, 21, 25, ठीक है। तो यहाँ पे 1, ठीक है, सिर्फ 1 आएगा, 1 ही है प्राइम नंबर, तो 1/5 है इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक और बार देख लेते हैं, देखो आपका रैंडम है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो 7 ही है, इसके अलावा कोई है नहीं, तो 1 और 5 इतने, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1/5 ही आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। 12th है, AD इज़ द मीडियन, AD मीडियन दे रखा है, ABC का वर्टेक्स, देखो इस तरह से ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है, ABC दे रखा है, तो मैं लिख लूँगा ए, ठीक है, यहाँ पर बी लिख लेता हूँ, यहाँ पे सी लिख लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं आपके, 5, -6, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 6, 4, और सी के कोऑर्डिनेट है 0, 0। अब यहाँ पर जो है ना, देखो मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मीडियन जो होता है ना, ये AD, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को इक्वल इक्वल पार्ट में कर दिए, यानी कि ये इसका BC का मिड पॉइंट होगा D, तो यहाँ पर जो D के पॉइंट दे रखे हैं, D तो निकालना ही है, पहले D निकाल लेते हैं, फिर AD की लेंथ निकाल जाएंगे, तो 6 + 0/2, तो ये आ जाएगा 3, 4 + 0/2, ये आ जाएगा 2, तो 3, 2। अब इन दोनों की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो 5 - 3 का 3, 2, 2 का स्क्वायर कितना था, 4, और रूट में चलेंगे, ठीक है, और ये -6 और -2, -8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा 64, ठीक है, और 64 × 4 = 68, तो √68 आएगा इसका आंसर, √68 यूनिट, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, √68। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम नंबर ऑन द 2 डाइस, 2, देखो 2 किस केस में आ सकता है, 2 डाइस है, दोनों को मिला के 36 होंगे टोटल नंबर, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, 36, ठीक है। अब इवेंट हैपेंड जो होंगे, इवेंट हैपेंड वो देख लेते हैं, एक तो देखो हमारे डाइस में 2 डाइस है, एक ये डाइस मान लेते हैं, एक ये डाइस मान लेते हैं, ठीक है, एक ये डाइस मान लेते हैं, एक ये डाइस मान लेते हैं, 2 डाइस है, इसमें मान लो 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, तो 2 हो गया ना सम, सम 2 हो गए ना इसका, ठीक है, 1 1 आ गए दोनों में, ठीक है, एक तो कंडीशन हो गई 1, 1, अगर मान लो इसमें आपका 3 है ना, इसमें 1 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, या इसमें 2 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, तो कितने हो जाएगी, 1, 2 और 2, 1, एक ये हो जाएंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, और हमको देखने 5 की, तो 5 कैसे बन सकता है, 3, इसमें 3 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, ठीक है, इसमें 2 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और तो नहीं हो सकती है ना, और भी हो सकती है, एक और हो सकती है ना 5 वाली, तो वो भी देख लेते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, मान लो इसमें आपका 4 आया, इसमें 1 आया, ठीक है, 4, 1, और इसमें 1 आ गया फिर, और इसमें 4 आ गया, तो ये आ गया 1, 4, ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ इवेंट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 36, 7/36, 7/36, ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 7/36 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो ये तो हो गया 7/36, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 14th क्वेश्चन देखो, इसमें 7/36 ये आ ही गया अपना, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखो नेक्स्ट जो है 14th, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स डैश डैश इज 15, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें देखो क्या करना है आपको, मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये कितना दे रखा है आपको, 3, -5, और ये वाला पॉइंट क्या दे रखा है, ये तो कर लिया होगा आई होप आपने, -5, इन दोनों के बीच की डिफरेंस, तो x - 3 का होल स्क्वायर - 5 + 5, ये तो 0 हो ही जाएगा, तो x - 3 का होल स्क्वायर ये आ गया, और रूट में ही है ध्यान रखना, और प्लस का यहाँ पे -5, और ये -5 करेंगे, माइनस ऑलरेडी प्लस 5 कट जाएंगे, दोनों 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है आपकी,
ये है 15 यूनिट, ठीक है, ये दे रहा है ना 15 यूनिट, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 15 का स्क्वायर, 225 होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो आप सोल्व करोगे ना इसको तो आ जाएगा आपका बी -12 एंड 18, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से सोल्व भी कर सकते हो, देखो एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू, इसका रूट करेंगे तो प्लस माइनस 15 आ जाएगा, एक बार प्लस में ले लो 15 को, एक बार माइनस, तो एक्स माइनस थ्री बराबर 15, तो यहाँ से एक्स बराबर 18 आ जाएगा, फिर एक्स माइनस थ्री इसको माइनस 15 कर लेना तो एक्स बराबर आ जाएगा -15 + 3 -12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे इसमें 15th, देखो 15th जो क्वेश्चन है वो बता देता हूँ मैं आपको। 15th क्वेश्चन देखो, 15th है, इन द गिवन ग्राफ लीनियर इक्वेशन द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन। अभी ये मिल नहीं रही ना, तो इसमें इनकन्सिस्टेंट है अभी तो, लेकिन जब आगे मिल जाएगी, कैन बी मेड, देखो इनकन्सिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन्स, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ाएंगे ना तब ये दोनों मिल जाएंगे और फिर क्या बन जाएगी, मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन, ठीक है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ये इनकन्सिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन, ये वाला, ठीक है। ठीक है, एक ये भी दे रखा है यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ए और डी में से आप अगर देखो, अब दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो डी छोड़ के ए लगाइए आप, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंट ही होती है ये और एक यूनिक सॉल्यूशन देकर जाती है, ठीक है। बी और सी तो वैसे ही नहीं आएंगे, ठीक है, तो इसमें ए लगा लीजिए दोस्तों, है ना, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, दोनों आगे जाके मिलेंगी, एक ही पॉइंट देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा एक ही, ठीक है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन का पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिलेगा। टू लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लाइन लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका 16th क्वेश्चन आया था, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो जीरोस इसकी दे रखी है, ये जीरोस निकाल लेते हैं पहले इसमें, ठीक है। तो इसकी जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, मतलब ऐसे लिख दो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका पास, माइनस बी अपोन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है सी अपोन ए। अब इसको थोड़ा सा बी अपोन ए, ये हो जाएगा ए अपोन सी, ए से ए कट गया, माइनस बी अपोन, यहाँ पर क्या आ गया आपका सी। अब यहाँ पर देख लो ए की वैल्यू कितनी है 6 है, बी की वैल्यू कितनी है -5 है, सी की वैल्यू कितनी है -4 है, वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी की वैल्यू -5 ऑलरेडी है माइनस में, सी की वैल्यू क्या है माइनस में ऑलरेडी -4, तो ये माइनस माइनस प्लस और माइनस एक बचा रह जाएगा, ठीक है आपका। तो माइनस का 5/4 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बी इसका करेक्ट आंसर है, -5/4, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो -5/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ये वाला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ द सेक थीटा -tan थीटा बराबर एम, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा +tan, इसको तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सी सी इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ कैसा है, ठीक है। तो देखो सेक थीटा टेन थीटा, ये ऐसे लिखोगे आप सेक थीटा -tan थीटा। अब इसका रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करने के लिए क्या करूँगा, सेक थीटा +tan थीटा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, यही करूँगा। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, नीचे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है सेक थीटा +tan थीटा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है, आइडेंटिटी है, और यहाँ पे बचेगा सेक थीटा +tan थीटा जो कि इसके बराबर है, ठीक है, यानी कि इसको 1/m के बराबर लिख सकते हैं। तो सी इसका करेक्ट है, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, इसमें लिख रखा है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q are 2i, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² - 5x - 6, देन द वैल्यू ऑफ पी इज। देखो इसके जो जीरोज है ना, इसके जो जीरोज हैं, ठीक है, आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ, इसके जीरोज से ट्वाइस ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसके इन इसके जीरो निकालता हूँ, तो मैं निकालूँगा 4x² - 5x - 6, तो इसको जीरो निकाल देते हैं दोस्तों हम पहले, ठीक है। तो इसको जीरो निकालने के लिए देखो 4 6 = 24, 24 के कैसे फैक्टर लो कि -5 आ जाए, 8 और 5 ले लो,
803 सॉरी 83 जब 24 और वो भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा 4x² माइनस का 8x और प्लस का क्या लेना पड़ेगा 3x। 8 में से माइनस 8 में से प्लस 3 का तो माइनस 5, 83 जो 24 वो ही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन ले लूँ मैं, 4x कॉमन ले लूँ, तो 4x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा x माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ बनी है उसको यहाँ पर बनाना, तो 3 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2, ठीक है। अब एक तो आ गया इसमें 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि x बराबर आ गया माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। और दूसरा आ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x बराबर 2, ठीक है। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया। अब इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है, इसको बीटा मान लेते हैं, बाकी मैं मिटा देता हूँ ये वाले चीज़, ठीक है। अल्फा बीटा मैंने मान लिया। अब देखो वो कह रहा है द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल x² प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द इसका, इसके मतलब इसके जो जीरो है ना, इसके जीरो से ट्वाइस है ये वाले, ठीक है। तो मैं इसके अगर निकालूंगा तो मैं इसको ऐसे करूंगा 2α प्लस 2β, ठीक है। मतलब इसके जीरो ट्वाइस ट्वाइस है, 2α प्लस 2β करूंगा, ठीक है। और वो क्या होता है माइनस बी अपोन है, इसमें a कितना है 1 है, b कितना है इसमें ये p है सॉरी p, और c कितना है इसमें q है, तो माइनस बी अपोन है होता है माइनस पी अपॉन ए, ए की वैल्यू 1 है, तो ऐसे पुट कर लूँगा। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो, क्योंकि ये तो ट्वाइस है ना, अल्फा कितना आ रहा है इसमें 2, तो 2 जो कितना होने गया 4, ठीक है, और प्लस का 2, और बीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो माइनस का 3 अपॉन ये 4 आ रहा है, ठीक है, और ये माइनस पी, तो यहाँ से देख लो 4 और 3 जो 6 माइनस का 6 अपॉन 4 और यहाँ पे माइनस पी। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 4 जो 16 माइनस 6 अपॉन 4 और माइनस पी, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये, ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अब इसको, 16 में 6 गए तो 10 अपॉन 4 और माइनस का पी, तो ये आ जाएगा आपका 2 जो 4 और 2 5 जो 10, तो पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2 दोस्तों, पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है असरसन रीजन वाले वो भी देख लेते हैं दोस्तों हम, ठीक है। असर द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, बात सही है इसकी, पैरेलल होते हैं वो। देखो डायमीटर के यहाँ पर एक टेंजेंट ही है, एक टेंजेंट ऐसे, तो दोनों पैरेलल होती है, बात एकदम ट्रू है, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर जो होती है ना मतलब सर्कल की, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है, ये बात भी ट्रू है, लेकिन रीजन असरसन को क्लेरिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो बोथ असरसन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरसन, तो बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है, बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है असरसन इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलीनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। दोस्तों आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में कई बार जीरो से ना बराबर भी आती है, डी बराबर जीरो के केस में इक्वल रूट्स आते हैं, तो इक्वल रूट्स के केस में जो हमारी जो ये काटी गई है सिंपली, तो जरूरी थोड़ी है वो आपकी मतलब लीनियर इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्योंकि दो जीरो सेम पॉइंट पर आ सकते हैं ना, डी बराबर जीरो के केस में दो इक्वल रूट आ सकते हैं, और उसका एक पॉइंट पर ही हो सकता है वो टच करे एक पॉइंट पर। तो ये वाली बात क्या बोली इसने, कैन नोट, इसने बोला ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल टचेस एक्स एक्सिस ओनली वन पॉइंट देन पॉलीनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये बात फॉल्स है इसकी, वो आपकी पॉलीनोमियल कैन बी अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल भी हो सकती है वो, ठीक है। लीनियर के लिए तो एक जीरो चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए दो जीरो चाहिए, लेकिन दो जीरो अगर बराबर आ गई फिर क्वाड्रेटिक भी हो सकती है वो, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, कैन नॉट लिखा है ना इसने, कैन भी हो सकता है फॉल्स। तो अगर रीजन असरसन फॉल्स है तो रीजन ट्रू होगा, खत्म बात, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। वैसे चेक कर लेते हैं, अब पॉलीनोमियल डिग्री एन एन ग्रेटर देन वन लिख रखा है यहाँ पर, कैन हैव अ मोस्ट एन जीरो से, हाँ ये बात तो सही है भाई, अगर उसकी एन ग्रेटर देन वन है, अगर थ्री एक्स की पावर 3 है तो कितनी जीरो होनी चाहिए, 3 तो जीरो होनी चाहिए एटमोस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 जीरोस तो होनी चाहिए एटमोस्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों ये सेट कोड हमने सोल्व कर लिया है, अगर आपको इसको और सोल्व करवाना है तो इसकी PDF हमको भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, इसकी और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, अभी मेरे पास यहीं तक PDF है इसकी, ठीक है। और केस स्टडी सोल्व करानी है तो हमें बता देना कॉमेंट में। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।